भाई परफेक्ट रिवेंज था इसमें, एंड इससे ज्यादा कुछ बोलने की तो मुझे जरूरत भी नहीं है। इतना तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, बट यामी गौतम आपने दिल जीत लिया हमारा, वो भी फिर से। हेलो गाइस, मैं हूं अभिजीत, आप देख रहे हैं अभिजीत परस्पेक्टिव, एंड एक बॉलीवुड की नई मूवी आई है जिसके बारे में उतनी बात तो नहीं है, उतनी हाइप तो नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे देखने का प्लान कर रहे हो तो वेट फॉर द सरप्राइज, क्योंकि चोर निकल के भागा एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कोई एक्ट्रेस बिना क्लीवेज दिखाए कैसे पूरा टेंशन अपनी और ग्रैब कर सकती है, जिसमें एक प्रॉपर स्टोरी टेलिंग के साथ एक ऐसा क्लेवर थ्रिलर जो आपको लास्ट तक बांध के रखता है कहानी में। तो बेसिकली चोर निकल के भागा कहानी एक चोरी के ऊपर है, एक चोरी जो 30,000 फीट के ऊंचाई पे प्लेन पे करी जा रही है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है, छोटा सा ट्विस्ट जिसमें हाईजेक हो जाती है प्लेन। यहाँ पे चोरी चल रही है, यहाँ पे एक प्लेन हाईजेक हो चुका है। अब इन दोनों का मिक्सचर, इन दोनों को जब एक साथ लाया जाता है तो इतनी पूरा स्टोरी लाइन बनाई जाती है, इतना बेहतरीन स्क्रीन पे लिखा जाता है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। देखो मूवी की स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा लाजवाब है, बहुत ज्यादा ग्रिपिंग है, जो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बांधे रखती है। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, इसमें इतने सारे एक्ट्रेस एंड एक्टर्स हैं, लेकिन यामी गौतम दिल जीत लेती है आपका, क्योंकि जो उनकी एफर्टलेस एक्टिंग है वो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बांधे रखेगी, एंड आप चाहोगे कि बार बार उन्हें आप स्क्रीन पे देखो। कहानी में हर एक कैरेक्टर पे प्रॉपर फोकस किया जाता है शुरू से लेकर लास्ट तक, एंड आपको कोई कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि देख के फील हो जाता है कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ी है, इसका एक अल्टीरियर मोटिव है, जो कि आपको देख के फील होता है। जो कहानी का एंडिंग वाला पार्ट है, आप ऑलमोस्ट मतलब समझ सकते हो भाई क्या होने वाला है, आपको एक थॉट प्रोसेस आ जाता है कि हाँ भाई कुछ यहाँ पे लोचा होगा, जो कि होता भी है, क्योंकि कहानी टोटल कितनी भी लाजवाब है, लेकिन अगर आप उसे ध्यान से देख रहे हो तो आपको एक फील हो जाता है भाई कुछ अल्टीरियर मोटिव है कैरेक्टर्स का, जो भी सारे कैरेक्टर्स में दिखाए गए हैं, जो लव एंगल दिखाए गए, जितनी भी सारी चीजें दिखाई गई उसमें कुछ एक ट्विस्ट है अल्टीरियर मोटिव का, वो एक हल्के से ग्लिम्पसेस दिए जाते हैं जो कि आपको फील करवा देते हैं भाई कुछ बवाल होने वाला, कुछ ऐसा ट्विस्ट आने वाला जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो बात अलग है कि इसकी कहानी में फ्लॉज हैं जो कि हर ऑलमोस्ट मूवीज या सीरीज में होती है, लेकिन इनमें कुछ जो फ्लॉज हैं वो उसके एक्टिंग एंड प्रॉपर स्क्रीन प्ले एंड टोटल एकांत छूट जाते हैं, जो आपको फील नहीं होते हैं, जो कि बेस्ट पार्ट लगा मुझे इसका। जो इस कहानी का एग्जीक्यूशन है वो इतना ज्यादा परफेक्ट है कि इसकी कमी आपको फील नहीं होती, आप उसे देखते हुए भी नजरअंदाज कर देते हो। जो इसका एग्जीक्यूशन है स्टोरी टेलिंग का, जो कैरेक्टर को दिखाने का, जो एक्टिंग एग्जीक्यूशन है, वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। एंड जिस तरीके से मूवी एक ट्विस्ट के साथ एंड होती है वो काबिले तारीफ। देखो अगर तुमने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है, देखना थोड़ा सा भी मन है भाई यामी गौतम के लिए मूवी देखो, रिग्रेट नहीं करोगे, ये मैं दावा ठोक के बोलूंगी, मैंने मूवी को देखते टाइम रिग्रेट नहीं किया, जितना आपने सिर्फ ट्रेलर देख एक्सपेक्ट किया वही उससे ज्यादा डिलीवर करेगी, एंड मैंने इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था यामी गौतम से, लेकिन उन्होंने फिर से एक बार दिल जीत लिया हमारा। खैर अगर आपको वर्ल्ड की वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्शन मूवी के बारे में जानना है तो ये रही वीडियो, मैंने मतलब जॉन विक चैप्टर पर ऊपर वीडियो डाली, उसके ऊपर रिव्यू डाला, उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत रखा है, तो आप ये वीडियो चेकआउट जरूर कर सकते हो। और क्या, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, एंड देखते रहो अभी पर्सपेक्टिव।